गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम गूगल फॉर्म के बारे में सीखेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट अबाउट गूगल फॉर्म्स। मैंने गूगल फॉर्म को समझाने के लिए पूरे गूगल फॉर्म के प्रोसेस को 7 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है रिक्वायर्ड आइटम इन योर फ़ोन। हमें हमारे फ़ोन में किन किन बेसिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी गूगल फॉर्म बनाने के लिए। सेकेंड नंबर पर है हाउ टू ओपन गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म को ओपन कैसे करते हैं। थर्ड नंबर पर है बेसिक ऑप्शंस अबाउट गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म को यूज़ में लेने के लिए उसके बेसिक टूल्स, मेन्यू वगैरह कौन कौन से हैं उसके बारे में। फोर्थ नंबर पर है मेक एन एग्जांपल, इसमें हम एक क्वेश्चंस टाइप करके एक एग्जांपल बनाएंगे। फिफ्थ नंबर पर है शेयर विद स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में कैसे शेयर करेंगे, इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे। सिक्स नंबर पर है मेक एन एक्सेल सीट फॉर रेस्पॉन्स आंसर, जब हम सीट स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स उस सीट के द्वारा हमें आंसर सेंड करेगा। उन आंसर को हम गूगल सीट में कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम एक्सेल सीट बनाएंगे, वो सब कुछ हम इस सीट के अंदर सीखेंगे। और हमारा लास्ट सेक्शन होगा सेवन्थ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। आपकी जो भी बेसिक क्वेरी होगी, हम उन क्वेरीज के ऊपर सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट पर हमारे पास में है रिक्वायर्ड आइटम इन योर फ़ोन। हमें हमारे फ़ोन में किन किन टूल्स की या किन किन ऐप्स की ज़रूरत होगी उनके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हमें हमारे फ़ोन में गूगल ड्राइव की रिक्वायरमेंट होगी, गूगल क्रोम की रिक्वायरमेंट होगी, और हिंदी टाइप करने के लिए गूगल इंडिक कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपके पास में ये तीनों सॉफ्टवेयर फ़ोन में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इन्हें प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर यदि आपको गूगल ड्राइव डाउनलोड करना है तो आप ड्राइव सर्च करें, यदि आपको गूगल क्रोम डाउनलोड करना है तो क्रोम नाम से सर्च करें, और आपको हिंदी टाइप करने के लिए अगर हिंदी कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल में जाकर गूगल इंडिक कीबोर्ड या गूगल इनपुट हिंदी टूल्स नाम से भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। प्रोग्राम सर्च करने के बाद में आप सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए हम इस क्रोम के जो आइकन है, इस आइकन पर टैप करते हैं या क्लिक करते हैं। टैप करने पर हमारे सामने गूगल ओपन हो जाएगा। ये गूगल का सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में हमें गूगल फॉर्म्स टाइप करना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे GOOGLE गूगल FORMS गूगल फॉर्म्स और सर्च कर लेंगे। सर्च करने पर हमें स्क्रीन को स्क्रॉल करना है और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म साइन इन का, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को हमें क्लिक करना है या टैप करना है, तो चलिए हम इसको टैप करते हैं। हमारा गूगल फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। थैंक्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ओपन गूगल फॉर्म एंड बेसिक ऑप्शंस अबाउट गूगल फॉर्म। रिसेंटली वीडियो में हमने सीखा था रिक्वायरमेंट आइटम इन योर फ़ोन। इस ऑप्शन में हमने ये जाना था कि हमें अपने फ़ोन में किन किन एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी गूगल फॉर्म को यूज़ में लेने के लिए। इसी के साथ में मैंने आपको एक बार गूगल फॉर्म को ओपन करना भी बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू ओपन गूगल फॉर्म एंड बेसिक ऑप्शंस अबाउट गूगल फॉर्म, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल फॉर्म को ओपन कैसे करते हैं। गूगल फॉर्म को ओपन करने के लिए हम अपने सबसे पहले गूगल क्रोम आइकन को टैप करेंगे। यहाँ पर सर्च बॉक्स आएगा। इस सर्च बॉक्स में हमें गूगल फॉर्म लिखकर सर्च करना है। गूगल फॉर्म लिख के हमने सर्च किया, हमारे सामने कुछ सर्च रिजल्ट आया। इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिला गूगल फॉर्म साइन इन का। हम इस साइन इन बटन पर या इस सर्च रिजल्ट पर टैप करेंगे। टैप किया तो हमारे सामने गूगल फॉर्म का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब गूगल फॉर्म के अंदर हमारे सामने
यहाँ कुछ ऊपर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ टाइटल दिखाई दे रहा है, यहाँ अनटाइटल फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अनटाइटल क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ इसके साथ में कॉपी का बटन, डिलीट का बटन, रिक्वायर्ड का बटन और नीचे कुछ ऑप्शंस टूल्स बार मिलेंगे। यहाँ आपकी जो भी आईडी से आपने साइन इन किया है उसकी फ़ोटो, आप उसकी पूरी डिटेल यहाँ ऊपर, एड्रेस बार में उस लिंक पे इसका पूरा एड्रेस वगैरह आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए अब सीखते हैं गूगल फॉर्म के बेसिक मेन्यू और बटन्स के बारे में। जैसा कि इस फॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हेडर ऑप्शन, और जो बीच में ये है ये फॉर्म ऑप्शन कहलाता है, और जो सबसे नीचे कहलाता है इसको बोलते हैं फुटर स्क्रीन या फुटर बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर के बारे में। यहाँ पर ये जो अनटाइटल्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली फाइल का नाम होता है, यहाँ पर हमें फाइल का नाम लिखना है। नेक्स्ट, ये जो आइकन आपको, ये जो बटन दिखाई दे रहा है, ये बटन होता है इस फॉर्म का कलर या थीम चेंज करने के लिए। इस जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब हम अपने फॉर्म के लिए थीम का कलर, बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जब भी आप चेंज करोगे तब आपको वापस यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हम इसका कलर करते हैं एक बार रेड, तो मैंने यहाँ पर रेड पर क्लिक किया और लाइट रेड कलर को बैकग्राउंड पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं मेरे फॉर्म के लिए जो मेन कलर है वो चेंज हो चुका है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट, अगेन जो बटन है वो है सेंड बटन। जब हम अपना पूरा फॉर्म बना लेंगे तो उस फॉर्म को हमें किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स उस लिंक पर क्लिक करेंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे। तो उसके लिए हमें इस सेंड बटन पर क्लिक करके हमें उसका लिंक कॉपी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए वो सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लिंक बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपने इस लिंक को इन इन माध्यम से किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हो, जैसे सेंड वाया ईमेल, सेंड वाया लिंक या सेंड वाया एम्बेड कोड। हमें यहाँ पर हमेशा इस सेंड वाया लिंक बटन पर क्लिक करना है। तो हम इस लिंक बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इस लिंक बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मेरे इस गूगल फॉर्म का पूरा लिंक यहाँ पर दिखाई देगा। हमें सिंपली इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको केवल और केवल इस कॉपी बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये पूरा का पूरा लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया तो मेरा पूरा का पूरा लिंक कॉपी हो चुका है। उसके बाद में हम वापस आते हैं अपने मेन स्क्रीन पर, यहाँ पर क्रॉस किया इसको। उसके बाद नेक्स्ट, अगेन जो हेडर में जो आ रहा है आइकन वो है सेटिंग आइकन। इस सेटिंग आइकन को थ्री डॉट्स से डिनोट किया जाता है। जब हम इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं तब हमारे सामने सेटिंग से रिलेटेड खूब सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए एक बार देखते हैं। मैं इन थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने थ्री डॉट पर क्लिक किया तो यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू देखने के लिए, प्रीव्यू तब देखेंगे जब हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तब वो फॉर्म कैसा दिखेगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसके कोई स्पेलिंग या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, तो उसके लिए हम एक बार पूरे फॉर्म को प्रीव्यू करके देखेंगे। उसके बाद में आता है सेटिंग्स ऑप्शन। जब हम अपना फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म बनाने के लिए हमें उस फॉर्म को क्विज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर सेटिंग बटन को यूज़ में लेंगे, क्योंकि बिना क्विज़ में कन्वर्ट किए फॉर्म ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट नहीं बता सकता। इसीलिए हमें इसी सेटिंग ऑप्शन में आकर अपने फॉर्म को क्विज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्विज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली इसी सेटिंग्स बटन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए एक बार सेटिंग बटन पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने सेटिंग बटन पर क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पर जो इस फॉर्म से रिलेटेड बेसिक सेटिंग्स है वो मुझे यहाँ पर सारी सेटिंग्स यहाँ से दिख रही है। पहली सेटिंग्स है जनरल सेटिंग, सेकेंड है प्रेजेंटेशन और थर्ड है क्विज से रिलेटेड। यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल सेटिंग की।
अब जनरल सेटिंग को समझते हैं कि जनरल सेटिंग में एक्चुअली होता क्या है। आप इस फॉर्म के द्वारा स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर सकते हो। यदि आप इसके ऊपर राइट लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म में ईमेल एड्रेस के लिए एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर देगा, तो स्टूडेंट्स को उसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना कंपलसरी होगा। यदि आप चाहते हो कि एक स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा बार उस फॉर्म को फिल करके ना भेजे, तो यहाँ पर हमें इस लिमिट टू वन रेस्पॉन्स पर राइट लगाना है। जब हम इस पर राइट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्म साइन वाले ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स को अपने ईमेल आईडी के द्वारा उस फॉर्म को भर के हमें भेजना होगा। चूँकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है या उन्हें अपनी ईमेल आईडी नहीं बनानी आती है, इसलिए अभी हम इस ऑप्शंस को राइट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि एक बार स्टूडेंट्स फॉर्म को सबमिट करने के बाद यानी भेजने के बाद में क्या वो उसको वापस चेंज कर सकता है, तो हम इस ऑप्शन को फिलहाल नहीं रखेंगे। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्स, इस ऑप्शन को हम चाहें तो यस रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस ऑप्शंस को अनचेक ही रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने सेकंड टैब के अंदर जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। जैसे ही हम प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा शो प्रोग्रेस बार और सफल क्वेश्चंस ऑर्डर और शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। हमें यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस को अनचेक करना है, हमें इन तीनों ऑप्शन को अनचेक करना है ताकि स्टूडेंट्स को वापस नया रेस्पॉन्स सेंड करने का लिंक शो न हो। तब हम यहाँ से इस ऑप्शंस को भी हटा देते हैं। अभी इस कंडीशन में इन तीनों ऑप्शंस के आगे राइट का ऑप्शन नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस क्विज ऑप्शंस के अंदर। जब हम क्विज पर क्लिक करेंगे तब हमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा मैक दिस अ क्विज। ये ऑप्शन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें हर कंडीशंस में इस बटन को ग्रे से ब्लू में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमें इस बटन पर क्लिक करना है या टैप करना है। जैसे हम टैप करेंगे ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर का हो जाएगा। एक बार करते हैं इसे, जैसे ही मैंने इस मेक दिस अ क्विज पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये ग्रे से रेड में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि हमने जो थीम का कलर था वो रेड लिया है। अगर हम ब्लू लेते तो ये इसका कलर ब्लू हो जाता। अब हम सिंपली देख पा रहे हैं कि इसके सिमिलर जो भी ऑप्शंस है ऑटोमेटिकली वो शो हो चुके हैं। पहली कंडीशंस में ये सारे के सारे हाइट थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको मेक दिस अ क्विज किया तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे ऑप्शन शो होने लगे। अब हम सिंपली इस सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ये सेव बटन है, इस सेव बटन को हम यहाँ से क्लिक करेंगे या टैप करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो भी सेटिंग हमने चेंज की है वो सारी की सारी सेव हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमारा ये है फॉर्म का फुल इन्वायरमेंट। यहाँ इस इन्वायरमेंट में हम फॉर्म का टाइटल ऐड कर सकते हैं, फॉर्म के लिए सेक्शन ऐड कर सकते हैं, फॉर्म को कोई दूसरे फॉर्म से कॉपी कर सकते हैं, फॉर्म के साथ में हम किसी भी प्रकार का कोई फ़ोटो वीडियो ऐड कर सकते हैं या फॉर्म के लिए हम कोई भी क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्म से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पर हेडर में दिखाई देंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है क्वेश्चंस ऐड करने का, किसी दूसरे फॉर्म से डाटा कॉपी करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद में यदि आप फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन है। यदि आप अपने फॉर्म के अंदर कोई फ़ोटो या कोई वीडियो अटैच करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यदि आप अपने फॉर्म के अंदर किसी नए सेक्शन को अटैच करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस बटन पर सिंपली क्लिक करना है। सिंपली इस गूगल फॉर्म के अंदर यही बेसिक बटन्स और मेन्यू हैं जिनकी हेल्प लेते हुए हम पूरे फॉर्म को डिज़ाइन कर पाएंगे। थैंक्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन मेक एन एग्जांपल। अब हम गूगल फॉर्म में एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, कैसे बनेगा, कौन से मेन्यू यूज़ में आएंगे वगैरह अब हम सीखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन किया,
सर्च बॉक्स में यहाँ पर गूगल फॉर्म्स सर्च किया, उसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन को टैप करेंगे। टैप करने पर हमारा गूगल फॉर्म यहाँ कुछ इस तरीके से लोड हो जाएगा। एक बार हम ये नया क्वेश्चन आ रहा है, इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ से क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। अब हमारे इस स्क्रीन पर हमें दो जगह अनटाइटल्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, एक ये ऊपर हेडर में और एक ये फॉर्म के बीच में। हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला अनटाइटल्ड फॉर्म है, इसकी जगह हम अपनी क्लास और उस क्लास में किस सब्जेक्ट का हम पेपर बना रहे हैं वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर 9th क्लास का हिंदी का पेपर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी लिख देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अनटाइटल्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जब क्लिक करेंगे तो 9th-Hindi लिखा हुआ आएगा। हमें इसको पहले यहाँ से हटाना है और इस टाइटल में हमें हमारे स्कूल का नाम लिखना है। तो मैं एक बार स्कूल का नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, श्री महालक्ष्मी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी। स्कूल का नाम आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी टाइप कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में इस स्कूल के नाम के जस्ट नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इस फॉर्म डिस्क्रिप्शन की जगह हम पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा 2nd Revision Test 2020-21। यहाँ हम स्कूल का नाम और एग्ज़ाम का नाम दोनों लिख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर किस क्लास के लिए और किस सब्जेक्ट का पेपर है वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कोई भी बॉक्स या टाइटल यहाँ पर ब्लैंक डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पर उस टाइटल को हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हम यहाँ पर इस टूल बॉक्स से इस टीटी बटन पर या इस टीटी मेन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम टीटी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक अनटाइटल टाइटल लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा, हमें इसको चेंज करना है। और यहाँ से हम उस सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं SUBJECT सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं, जैसे हम हिंदी का पेपर बना रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर 9th हिंदी लिखा था, लेकिन हमने जो 9th हिंदी लिखा वो फाइल का नाम है। यहाँ ये जो सब्जेक्ट हिंदी लिख रहे हैं ये स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करते वक्त वहाँ पर दिखाई देगा, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी लिख देते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी लिख दिया है। अब इस सब्जेक्ट हिंदी के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल ये लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम इसको हटाएंगे नहीं तो पेपर प्रीव्यू में या जब स्टूडेंट्स को हम पेपर सॉल्व करने के लिए भेजेंगे तो वहाँ पर भी ये डिस्क्रिप्शन वहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा। इस डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए हमें यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जब हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन आएगा हमें उस पर क्लिक करना है। ऑलरेडी चेक बॉक्स आएगा, जब हम वापस क्लिक करेंगे तो वो चेक वहाँ से हट जाएगा। तो उसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शन ये हमें वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। चलिए एक बार इस चीज़ को कर लेते हैं। हम यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन पर हमें टैप करना है। जैसे ही हम टैप करेंगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल का जो ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्लास डालेंगे। क्लास के लिए हम टाइटल भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि क्लास हम यहाँ पर स्टूडेंट से पूछेंगे, ताकि स्टूडेंट अपनी क्लास और उसका सेक्शन ए बी या सी जो भी उसका सेक्शन है वो यहाँ पर डाल सके। तो हम यहाँ पर एक
क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन डालने के लिए आपको यहाँ पर इस प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। चलिए एक बार हम इस प्लस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने प्लस बटन पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन वाला बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम सबसे पहले इस मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करके इसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये मैंने इस मल्टीपल चॉइस पर क्लिक किया तो यहाँ इस लिस्ट में से मुझे शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। शॉर्ट आंसर मैं इसलिए सेलेक्ट करूँगा क्योंकि स्टूडेंट अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सेक्शन यहाँ पर मैन्युअली टाइप करेगा, इसीलिए हम उससे एक प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं शॉर्ट आंसर पर। यहाँ पर हम क्वेश्चन टाइप करेंगे, एंटर योर क्लास। यहाँ क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं एंटर योर क्लास। यहाँ स्टूडेंट अपनी क्लास एंटर करेगा और इस बॉक्स में वो अपना जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आंसर में लिख देगा। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास के साथ साथ सेक्शन भी टाइप करवाने की। तो हम वापस इसी प्लस बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, एंटर योर क्लास सेक्शन। एंटर योर क्लास सेक्शन SEC। एंटर योर क्लास सेक्शन। यहाँ पर भी वही शॉर्ट आंसर में वो अपनी क्लास का जो भी सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन या सी सेक्शन, वो यहाँ पर टाइप करेगा। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आंसर स्टूडेंट देगा, जैसे एंटर योर क्लास, हमें बच्चे से उसकी क्लास यहाँ पर फिल करवानी है, यानी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस चीज़ को रिक्वायर्ड करेंगे। रिक्वायर्ड का मतलब कि स्टूडेंट्स को इस ऑप्शन को भरना ही पड़ेगा। अगर स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं भरेगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रिक्वायर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिक्वायर्ड बटन ग्रे कलर से ब्लू कलर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये इस क्वेश्चंस का आंसर बच्चे को देना ज़रूरी है। उसके बाद सेम टू सेम यही चीज़ हम क्लास सेक्शन के लिए भी करेंगे, क्योंकि बच्चे को अपना क्लास का सेक्शन डालना भी ज़रूरी है। सेम वही वापस इस रिक्वायर बटन पर क्लिक करें। यहाँ रिक्वायर बटन पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये भी ग्रे कलर से ब्लू कलर का हो जाएगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपनी क्लास और अपना सेक्शन डालना मस्ट हो गया है। अब हम यहाँ से एक ऑप्शन और ऐड करते हैं। ऑप्शन ऐड करने के लिए या क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम वापस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम स्टूडेंट से उसका नाम इनपुट करवाएंगे या टाइप करवाएंगे कि कौन सा बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, तो हमें उसके नाम की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पर वापस प्लस बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन डालते हैं, एंटर योर नेम। तो स्टूडेंट्स जो भी अपना नाम है वो यहाँ पर टाइप करेगा। तो ये भी शॉर्ट आंसर है। इस फील्ड को भी हमें यहाँ से रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड के लिए हम इस रिक्वायर्ड बटन पर टैप कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा है, यहाँ स्कूल का नाम लिखा है, यहाँ हमने एंटर योर क्लास, लेकिन इस एंटर योर क्लास से जस्ट पहले हमने सब्जेक्ट लिखा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक किया तो वो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे चला गया। जब हम जिस ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो उस ब्लॉक पर वहाँ 6 डॉट बने हुए आते हैं। इस 6 डॉट का मतलब है जब आप यहाँ इसको यहाँ से टैप करके रखेंगे तो आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब इस सब्जेक्ट हिंदी को हमें ऊपर लेकर जाना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको टैप करेंगे और पकड़ के ऊपर लेकर जाएंगे।
यहाँ से हम इसको ऊपर ड्रैग कर देते हैं। तब जस्ट स्कूल के नाम के नीचे अब हमारा सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे एंटीरियर क्लास आ चुकी है, क्लास के बाद में एंटीरियर क्लास सेक्शन आ चुका है और जस्ट उसके बाद में एंटीरियर नेम आ चुका है। ये फील्ड हमें स्टूडेंट से कंपलसरी है, मस्ट है, फिल करवाने हैं। जैसे ही हमने इसको रिक्वायर्ड किया तो हर क्वेश्चंस के आगे एक रेड कलर का एस्टेरिक सिंबल बना हुआ आ गया। इसका मतलब है कि ये फील्ड आपको डालना या टाइप करवाना या करना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेम टू सेम इसी प्रकार नेम के अंदर भी यहाँ पर ये देखिए एस्टेरिक का सिंबल आ गया है। क्लास सेक्शन में भी ये देखिए यहाँ पर एस्टेरिक का सिंबल आ गया है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करेंगे। क्वेश्चन टाइप करने के लिए हमें यहाँ पर इस प्लस बटन पर क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस प्लस बटन पर क्लिक किया तब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन डालने के लिए एक बॉक्स आ चुका है। एक चीज़ का हम यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस होता है आप उसे रिक्वायर्ड नहीं करें। ये स्टूडेंट की मर्जी है कि वो उस क्वेश्चंस को अटेंड करता है या नहीं करता है। तो हम यहाँ पर एक डमी क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप किया है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस है उनके मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस होंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको केवल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप ये सोच रहे होंगे बाकी के ऑप्शन कहाँ हैं। जब हम ऑप्शन फर्स्ट फिल करेंगे तो उसके बाद में हम ऐड ऑप्शन पर टैप करेंगे या क्लिक करेंगे। आपको ऐड अनोदर पर क्लिक नहीं करना है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है, आप केवल ऐड ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर ऑप्शन ऐड करते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट में डालते हैं यहाँ से गुजरात। सेकंड ऑप्शन जब हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बॉक्स यहाँ पर और बन चुका है, ऑप्शन टू। यहाँ से हम डाल देते हैं पंजाब, PUNJAB पंजाब। ऑप्शन थर्ड डालने के लिए हम वापस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पर डाल देते हैं न्यू दिल्ली। और ऑप्शन फोर पर हम क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन डाल देते हैं राजस्थान। मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए हैं। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, उसको हमें पहले से ही चेक करके बताना है ताकि जब स्टूडेंट अपना फॉर्म सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाए। तो हम इस फॉर्म को क्विज़ में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म को हमें क्विज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्विज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको जो हेडर में थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। चलिए हम इन थ्री डॉट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने थ्री डॉट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, मुझे इस सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करना है। चलिए अब हम इस सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने सेटिंग बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप के तीन टैब ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट है जनरल, सेकंड है प्रेजेंटेशन और थर्ड है क्विजेस का। तो हमें यहाँ पर उस फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करने के लिए इस क्विजेस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इस क्विजेस बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेक दिस अ क्विज, असाइन पॉइंट वैल्यू टू क्वेश्चंस एंड अलाउ ऑटो ग्रेडिंग। तो हमें यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है, इस ग्रे बटन को हमें ब्लू कलर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम सिंपली इसके ऊपर टैप करेंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर टैप कर देते हैं। जैसे ही मैंने टैप किया तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस भी ऑटो शो हो चुके हैं। हमें इन ऑप्शंस को चेंज नहीं करना है, हम सिंपली इसको मेक दिस ए क्विज करके और यहाँ से जो ऊपर सेव बटन दे रखा है इस सेव बटन पर क्लिक कर देंगे।
तो हम यहाँ से इस सेव बटन पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। ये हमारा जो फॉर्म था अब क्विज में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर पहले ये आंसर वाला बटन पहले शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही हमने उसको क्विज में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर ये आंसर वाला बटन शो होने लग गया है। अब इसी बटन पर क्लिक करके हम इस क्वेश्चंस की ग्रेडिंग पॉइंट और राइट आंसर को चूज करेंगे। तो एक बार हम इस प्लस राइट आंसर राइट बटन है उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस राइट बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ मेरे फॉर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक्स ऑप्शन आ चुके हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया के जस्ट सामने ये लिखा हुआ आ रहा है 1 पॉइंट। इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चंस को कितने नंबर का बनाना चाहते हो, 1 नंबर, 0.5 का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेपर बना रहे हैं तो आप इसके आप अपने हिसाब से इसके कितने भी पॉइंट, पॉइंट का मतलब कितने नंबर का क्वेश्चंस है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 नंबर का ही रखूँगा। अब जब हम पेपर बनाएंगे तो हमें पता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम इस पे सही आंसर पर टैप करेंगे। तो जैसे ही मैं न्यू दिल्ली पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली इसके आगे ग्रीन कलर में एक टिक मार्क या राइट का बटन बन जाएगा। हमें सिंपली राइट आंसर पर टैप करके और उसके बाद में जो ये डन बटन है उस डन बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस डन बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद में अब हमारा ये क्वेश्चंस पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चंस मेरा बीच में आ रहा है, मुझे इस क्वेश्चंस को नीचे लेके आना है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताई थी कि हम इन 6 डॉट को जब पकड़ के रखेंगे, इसको टैप करके रखेंगे तो हम इस ब्लॉक को नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो हम यहाँ से इस फॉर्म के इसको टैप करके रखेंगे और टैप करने के बाद में हम इसको सबसे नीचे डाल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा सबसे नीचे वाले ब्लॉक में आएगा। अब हमें एक नया क्वेश्चंस और ऐड करना है तो हम यहाँ पर प्लस बटन पर वापस क्लिक करेंगे तो हमारा लिए एक नया क्वेश्चंस और ऐड हो जाएगा। तो सिंपली हम प्लस बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस बटन पर क्लिक किया तो मेरे सामने सेम पहले के जैसे तरह एक और क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप करने के लिए ब्लॉक या बॉक्स आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर एक नया और डमी क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड करते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आवर स्कूल, व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आवर स्कूल। दिस इज ओनली डेमो एंड आई यूज्ड नॉर्मली एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम यहाँ स्कूल के लिए कुछ ऑप्शंस ऐड कर देते हैं वही मल्टीपल चॉइस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर SMS, सेकंड में यहाँ मैं डाल देता हूँ SPS, थर्ड ऑप्शन में मैं डाल देता हूँ ये जैसे इसको कैपिटल में लिख देते हैं SPS, थर्ड ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ MPS एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ SMGSSS। अब जो हमारा सही आंसर होगा अब हमें यहाँ पर इस राइट बटन पर वापस क्लिक करना है ताकि हम इस प्रोग्राम को ये बता सके कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो हम वापस इसी पर क्लिक करते हैं, राइट बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो इसने पूछा कि आप इस क्वेश्चंस को कितने नंबर का बनाना चाहते हो और इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा होगा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चंस को हम 1 नंबर का ही बनाना चाहते हैं और व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आवर स्कूल, इसका आंसर हो जाएगा SMGSSS। जैसे ही हमने इसके ऊपर राइट बटन पर इस पर टैप किया ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक राइट बटन बना हुआ आ गया ग्रीन कलर का। अब हम इसको डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने डन पर क्लिक किया तो अब हमारे सामने हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार हो चुके हैं।
तो एक बार हम इस फॉर्म का प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए हमें सिंपली इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। इन थ्री डॉट्स पर हमें क्लिक करना है जो कि हमें हेडर में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में पहले एक बार हम इस पे थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने इन थ्री डॉट्स पर क्लिक किया तो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन प्रीव्यू का आ रहा है। अब हमें इसी प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है ताकि हम अपने फॉर्म को एक बार देख सकें, उसका व्यू देख सकें कि हमारा फॉर्म किस तरीके का दिखेगा। तो सिंपली हम इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमने इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। एक बार हम इस फॉर्म को ब्लैंक सबमिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने इस फॉर्म को इस सबमिट बटन पर क्लिक किया तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, इसने मुझे कुछ एरर दी है। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, क्योंकि जिन क्वेश्चंस के आगे रेड कलर में एस्टरिक बना हुआ आ रहा है वो सारे के सारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। हम स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा, चाहे उसका नाम हो, चाहे उसकी क्लास हो, चाहे उसकी क्लास का सेक्शन हो, क्योंकि बिना इन फील्ड्स को टाइप करवाए हम उस स्टूडेंट्स को कॉन्फिगर नहीं कर सकते कि किस स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है या किस क्लास के स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। तो उसके लिए हमें उसकी क्लास का सेक्शन और उसका नाम हमारे पास में आना जरूरी है। तो सिंपली अब हम इस फॉर्म को एक बार फिलअप करते हैं। जैसे एंटर योर क्लास, क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास डाल देते हैं 9th, और 9th के अंदर एंटर योर क्लास सेक्शन के अंदर हम सेक्शन में डाल देते हैं सेक्शन ए। एंटर योर नेम, एंटर योर नेम के अंदर यहाँ पर हम नाम डालते हैं दिव्या। यहाँ पर हम टाइप करते हैं एंटर योर आंसर के अंदर DIVYA दिव्या। उसके बाद में अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चंस को सही और एक क्वेश्चंस को गलत फील कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया में मैंने डाल दिया यहाँ से न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली सेलेक्ट करते ही यहाँ पर एक क्लियर सेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर स्टूडेंट चाहे तो इसको यहाँ से क्लिक करके जो भी उसने आंसर भरा है उस आंसर को वो क्लियर कर सकता है। जैसे मैं एक बार यहाँ से क्लियर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो आंसर मैंने भरा था वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो हम यहाँ से इसका आंसर डाल देते हैं न्यू दिल्ली। एंड अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आवर स्कूल, इसमें मैं इसका आंसर मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया SMS। अब यहाँ से जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही यहाँ पर एक व्यू स्कोर का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके स्टूडेंट्स अपना स्कोर देख सकता है कि उसको अपने कितने मार्क्स मिले या कौन सा क्वेश्चंस उसके गलत हुआ कौन सा सही है, वो सारी चीज़ें उसको यहाँ से पता लग जाएगी। अब वापस चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पर। तो यहाँ से हम अपने इस टैब के अंदर, जो फर्स्ट टैब के अंदर हम अपने क्वेश्चंस को बना रहे थे उसके अंदर चलते हैं। तो जैसे ही वहाँ से जो आंसर सबमिट हुए थे वो सारे के सारे हमें यहाँ पर इस रेस्पॉन्स के अंदर यहाँ पर पता लग जाएगा कि किस किस स्टूडेंट ने क्या क्या रेस्पॉन्स दिया है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा एक नया एग्जाम्पल, वो भी हिंदी भाषा में। मैंने इसके लिए अपने फ़ोन के अंदर कीबोर्ड अटैच कर रखा है, और उसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम पर क्लिक करते हैं। जैसे ही गूगल क्रोम पर क्लिक किया, इस सर्च बॉक्स में हमें यहाँ पर गूगल फॉर्म्स टाइप करके सर्च करना है। अब हम यहाँ से इस लिस्ट में से गूगल फॉर्म साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे सामने गूगल फॉर्म अनटाइटल्ड फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हिंदी में टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो ऊपर हेडर में अनटाइटल्ड फॉर्म दे रखा है इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लास का नाम और क्लास के नाम के साथ में मैं यहाँ पर उस क्लास का सेक्शन भी लिखूँगा। तो यहाँ पर हम इसे एक बार लिखते हैं। मैंने इसको यहाँ से टैप किया और अब मैं यहाँ पर 12th
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने इसका कंप्यूटर लिख दिया। उसके बाद में जो ये अनटाइटल फॉर्म, सेकंड अनटाइटल फॉर्म आ रहा है, ये हमारे मेन टाइटल है। यह इस मेन टाइटल में हम स्कूल का नाम लिखेंगे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ऊपर जो मैंने अपनी फाइल का नाम टाइप किया था वो नाम यहाँ पर आ चुका है। हम इस नाम को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम अपनी स्कूल का नाम टाइप करते हैं, श्री महालक्ष्मी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद में जो फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर फॉर्म डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन सा एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी में लिखते हैं पुनरावर्ती परीक्षा 2020-21, पुनरावर्ती परीक्षा 2020-21। यहाँ हमने पुनरावर्ती परीक्षा 2020-21 लिख दिया है। अब हम इसके बाद में लिखेंगे किस विषय का पेपर है या किस विषय की परीक्षा है। उसके लिए हमें यहाँ पर इस TT बटन पर क्लिक करना है ताकि हम एक नया टाइटल यहाँ पर ऐड कर सकें। तो हम इस TT बटन पर यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर एक टाइटल लिखने के लिए एक बॉक्स खुल चुका है। यहाँ पर हम लिखेंगे विषय कंप्यूटर, VISHAY, विषय कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने विषय कंप्यूटर लिख दिया है। इस विषय कंप्यूटर के जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल लिखा हुआ है। हमें इस डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल को यहाँ से हाइड करना है या हटाना है। इसे हटाने के लिए हम इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। चलिए हम ऐसा करते हैं। मैंने इन 3 डॉट्स पर क्लिक किया। क्लिक करने पर यहाँ पर सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं वापस इस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ से यह डिस्क्रिप्शन ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। मैं यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ से मेरा डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल लिखा हुआ था, अब वो यहाँ से हट चुका है। विषय टाइप करने के बाद में अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट से उसका नाम पूछना है, उसकी क्लास पूछनी है और क्लास के लिए सेक्शन भी पूछना है। तो अगर हम स्टूडेंट से कुछ भी चीज़ पूछ रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्लस बटन पर क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस बॉक्स के अंदर हम स्टूडेंट्स की डिटेल भरवाएंगे। उसके लिए हमें इस मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करके पहले इसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट से उसका नाम, उसकी क्लास और उसका सेक्शन पूछने वाले हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों को अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में पूछेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट से उसका नाम पूछते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले मल्टीपल चॉइस को शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप करेंगे। तो सबसे पहले इस लिस्ट पर क्लिक किया और यहाँ से हम इसको शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप करते हैं। आपका नाम क्या है, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चंस टाइप किया, आपका नाम क्या है। स्टूडेंट यहाँ पर अपना शॉर्ट आंसर जो भी है वो शॉर्ट आंसर देगा। स्टूडेंट्स को इस फील्ड का आंसर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसलिए हम इस फील्ड्स को यहाँ पर रिक्वायर्ड करते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब हम इस बटन को ऑन कर देते हैं तो स्टूडेंट्स को यहाँ अपना आंसर देना अनिवार्य हो जाएगा। जब तक वो इसका आंसर नहीं देगा तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तब हम यहाँ पर इस फॉर्म को रिक्वायर्ड कर देंगे। तो जैसे ही हमने रिक्वायर्ड पर क्लिक किया, अब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो यहाँ पर अपना नाम टाइप करेगा ही करेगा। उसके बाद में अगेन हम एक नया क्वेश्चंस ऐड करते हैं। क्वेश्चन ऐड करने के लिए इसी प्लस बटन पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद में वापस मल्टीपल चॉइस से यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर में डाल देंगे। तो उसके बाद में हम स्टूडेंट से उसकी कक्षा के बारे में पूछेंगे, आपकी कक्षा कौन सी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना शॉर्ट आंसर डाल देगा, आपकी कक्षा कौन सी है। उसके बाद में अगेन हम यहाँ पर एक नया फील्ड ऐड करते हैं और यहाँ उसकी क्लास का वर्ग या सेक्शन कौन सा है, आपकी कक्षा का वर्ग कौन सा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी क्लास, यहाँ से हम इसको वापस शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट अपनी कक्षा का वर्ग सेलेक्ट करेगा, वर्ग ए है, बी है या सी है, इसको भी हम यहाँ से रिक्वायर्ड कर देते हैं। आपकी कक्षा इस फील्ड को भी हमें यहाँ से इसको रिक्वायर्ड करना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। अब हम जो भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे वो सब के सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस में हम सबसे पहले एक क्वेश्चंस ऐड करते हैं, यहाँ हम कंप्यूटर का पेपर बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर के ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस टाइप करते हैं। मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है। यहाँ हम ऑप्शन टाइप करेंगे, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है। यहाँ हम इसके ऑप्शन डालते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डाल दिया हमने सीपीयू, सेकंड ऑप्शन हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा सीयू, हमने यहाँ से सीयू को भी ऐड कर लिया। नेक्स्ट अगेन हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से डालते हैं एएलयू, यहाँ पर हमने एएलयू सेलेक्ट किया और उसके बाद में अगेन फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया मेमोरी। जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस अटैच करते हैं तब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर भी एक बार देना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस फॉर्म को क्विज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्विज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्म के सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग ऑप्शन में जाने के लिए हमें इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। फर्स्टली हम इन थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में हम सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। अब हम इस सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें क्विज़ का ऑप्शन मिलेगा। ये क्विज़ का ऑप्शन है, इस क्विज़ के ऑप्शन पर हमें टैप करना है। हमने यहाँ पर टैप किया और हमारे पास में पहला ऑप्शन आ रहा है मेक दिस अ क्विज़। हमें इस मेक दिस अ क्विज़ बटन को ग्रे कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इस सिंपली इस बटन पर टैप करेंगे, जैसे हम इस पर टैप करेंगे ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको ब्लू कलर के लिए टैप करते हैं, ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब सिंपली हमें इस सेव बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म को यहाँ से सेव कर देना है। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास एक नया आंसर बॉक्स शो होने लग गया है। पहले जब ये फॉर्म क्विज़ में नहीं था तब ये यहाँ पर आंसर बॉक्स शो नहीं हो रहा था। अब सिंपली हमें इस आंसर बॉक्स पर क्लिक करके इसका सही आंसर और ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स का है हमें वो एंटर करके इसे डन करना है। तो एक बार हम इस आंसर बॉक्स पर क्लिक करते हैं। आंसर बॉक्स पर क्लिक करते ही हमारे इस क्वेश्चंस के लिए पॉइंट्स लिखा हुआ ऑटोमेटिकली 1 आया। हम यहाँ पर 1 की जगह 2, 3, 4, 5, 0.5, 0.25 कुछ भी अटैच कर सकते हैं। और हमारे इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो है सीपीयू।
तो हम यहाँ पर सिंपली सीपीयू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सीपीयू पर क्लिक किया, सीपीयू के जस्ट सामने यहाँ पर ग्रीन टिक मार्क या राइट का सिंबल शो होने लग गया है। अब हम सिंपली इसको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार हम वापस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैच करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ प्लस बटन पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नया बॉक्स आ चुका है क्वेश्चन टाइप करने के लिए। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को टाइप करता हूँ। क्वेश्चन है, सी यू का पूरा नाम क्या है? सी यू का पूरा नाम क्या है? सी यू का पूरा नाम हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम ऑप्शन के अंदर यहाँ पर लिखते हैं करंट यूनिट, सेकंड ऑप्शन में हम यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल यूनिट, थर्ड ऑप्शन में हम यहाँ पर लिखते हैं सेंट्रल यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं नन। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर कंट्रोल यूनिट होगा। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। तो हम सिंपली इस आंसर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसको मार्किंग करेंगे कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसका सही आंसर क्या है। तो हम चलिए इस पर क्लिक करते हैं आंसर बॉक्स पर, और यहाँ पर इसको बताते हैं कि ये एक नंबर का है और इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल यूनिट, और इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म के बीच में आ चुका है। तो सिंपली हम यहाँ पर इन सिक्स डॉट्स वाले बॉक्स को टैप करके रखेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको थोड़ी देर टैप करते हैं और उसके बाद में इसको सबसे नीचे ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप करते ही हमारा ये क्वेश्चंस नीचे आया। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ से ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट अगेन नया क्वेश्चंस ऐड करते हैं। वही सिंपली प्लस बटन पर क्लिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम ऑप्शन ऐड करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन डालते हैं सीपीयू को, सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पर डालते हैं सीयू को, थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पर डालते हैं एएलयू को, और फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पर डालते हैं मेमोरी को। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। तो इसे दिखाने के लिए हम वापस आंसर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक नंबर मार्किंग की और इसका सही आंसर सीपीयू है। जैसे ही हमने सीपीयू को टैप किया, इसके आगे राइट लगा हुआ आया और इसको हमने यहाँ से डन कर दिया। नेक्स्ट वापस हम एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं और उस नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? यहाँ पर हम ऑप्शन डालते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमने यहाँ पर डाला फ्लॉपी डिस्क, सेकंड ऑप्शन हमने यहाँ पर डाला हार्ड डिस्क, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमने डाला मैग्नेटिक टेप, और फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ पर डाला ये सभी।
इस क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ से सेट करते हैं। इसका आंसर सेट करने के लिए वही हमें वापस इस आंसर बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद में हमें इस क्वेश्चंस की मार्किंग देनी है और सही आंसर पर हमें टैप करना है। तो हम इस आंसर बॉक्स पर क्लिक करते हैं, एक नंबर का हमें इस क्वेश्चंस को रखना है और इसका आंसर होगा ये सभी। जैसे ही हमने ये सभी ऑप्शन पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इसके आगे ये ग्रीन कलर में राइट बॉक्स लगा हुआ आया, इसको हम यहाँ से डन कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पर एक नया और ऐड करते हैं। यहाँ ऐड करने के लिए वापस प्लस बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने प्लस बटन पर क्लिक किया, हमें एक क्वेश्चंस टाइप करने के लिए बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर हम लिखते हैं एक नया क्वेश्चंस, क्वेश्चंस टाइप करते हैं, वे लोग जो कंप्यूटर को प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चंस टाइप किया, वे लोग जो कंप्यूटर को प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और इनके आंसर हम यहाँ ऑप्शन में लिखते हैं। पहला आंसर हमने लिखा यूज़र, सेकंड हमने यहाँ पर लिखा हार्डवेयर, थर्ड ऑप्शन हमने यहाँ पर लिखा सॉफ्टवेयर, और फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ पर लिखा ये सभी। अब इस आंसर की मार्किंग करने के लिए और इसका सही आंसर डालने के लिए हमें इस आंसर बॉक्स पर क्लिक करना है। हम इस आंसर बॉक्स पर टैप करेंगे। जैसे हमने टैप किया तो इसने हमें पूछा कि इस क्वेश्चंस को आपको कितने मार्क्स का रखना है। वो मार्क्स हम यहाँ पर टाइप करेंगे, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 रख रहा हूँ। उसके बाद में वे लोग जो कंप्यूटर को प्रयोग में लेते हैं उन्हें यूज़र के नाम से जानते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस यूज़र बटन पर टैप किया। जैसे ही टैप किया यहाँ पर यूज़र के आगे एक राइट बॉक्स राइट टिक लगा हुआ आया और हम यहाँ पर इसको डन कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस पेपर पूर्ण रूप से तैयार है। अब हम इस क्वेश्चंस पेपर का कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट, थीम कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो इस कलर फॉर्म को थोड़ा कलरफुल या डिज़ाइन कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसके थीम सेक्शन में जाना पड़ेगा। थीम सेक्शन में जाने के लिए हम सिंपली इस आइकन पर क्लिक करते हैं। ये आइकन थीम का आइकन होता है, तो हम यहाँ पर इसको टैप करते हैं। यहाँ पर हमें इस कलर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर ये रखना है और फॉन्ट को बेसिक ही रखना है। तो हम यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ में लेते हैं। कलर ये किया हमने, उसके बाद में बैकग्राउंड कलर हमने ये रखा और फॉन्ट हमने बेसिक रखा, और सिंपली हम यहाँ पर इस अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक किया। जैसे ही हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया तो हमारे फॉर्म का जो कलर वगैरह है वो यहाँ से चेंज हो चुका है। अब हम इस फॉर्म का एक बार प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए हमें सिंपली इस फॉर्म के सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग आइकन पर हम एक बार टैप करते हैं। जैसे हमने टैप किया तो हमारे सामने जो फर्स्ट ऑप्शन आया वो आया प्रीव्यू का। हमें इसी प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है इस फॉर्म का प्रीव्यू देखने के लिए कि ये फॉर्म किस तरह से दिखाई देगा। तो हम सिंपली इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक किया तो हमारा फॉर्म एक नई विंडो में, एक नई टैब में ओपन हुआ और पूर्ण रूप से हमारा फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे ऊपर स्कूल का नाम आ रहा है, उसके बाद में एग्ज़ाम का नाम आ रहा है, और उसके बाद में एक सिंबल बना हुआ है एस्टरिक, और उसके आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं पर भी आपके फॉर्म में क्वेश्चंस के आगे एस्टरिक सिंबल बना हुआ है तो उसका मतलब है कि उस क्वेश्चंस का आंसर देना आपको मस्ट कंपलसरी है। आप उसका आंसर ब्लैंक नहीं रख सकते। स्टूडेंट्स को अपना नाम भरना पड़ेगा, कक्षा भरनी पड़ेगी, और कक्षा का वर्ग ये भी भरना पड़ेगा। स्टूडेंट चाहे तो अपने क्वेश्चंस का आंसर छोड़ सकता है, लेकिन इन ऑप्शंस को वो नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि हमारे लिए स्टूडेंट्स का नाम, उसकी कक्षा और उस कक्षा का वर्ग इम्पोर्टेंट है। आंसर देना या नहीं देना ये स्टूडेंट्स के हाथ में है, लेकिन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आए इसलिए हमने इन फील्ड्स को, जब हमने फॉर्म बनाया था तब हमने इन ऑप्शंस को रिक्वायर्ड किया था। तो हम एक बार इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स से पूछा गया है कि आपका नाम क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना नाम भर रहा है, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पर भर दिया।
उसके बाद में यहाँ पर पूछी गई है कि आपकी कक्षा कौन सी है, तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लिखा ट्वेल्थ, और ट्वेल्थ के बाद में आपकी कक्षा का वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने लिख दिया कॉमर्स। उसके बाद में क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व करेगा। सीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कौन करता है? वैसे इसका आंसर होता है सीपीयू, लेकिन मैं यहाँ पर इसका आंसर गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका आंसर सेलेक्ट किया मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अगेन मैं इसका आंसर गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं मेमोरी को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में है सेकेंड स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? फ्लॉपी हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये सभी सेकेंडरी डिवाइस के ही उदाहरण है, इसको मैं यहाँ पर सही सेलेक्ट कर रहा हूँ। वे लोग जो कंप्यूटर को प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका भी आंसर मैं सही सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको यूजर सेलेक्ट किया और मैंने इस फॉर्म को यहाँ से सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो स्टूडेंट्स इस व्यू स्कोर पर क्लिक करके अपना स्कोर देख सकता है। तो चलिए हम इस व्यू स्कोर पर क्लिक करके एक बार अपना स्कोर देख लेते हैं। जैसे ही मैंने व्यू स्कोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना यहाँ से रिजल्ट दिख जाएगा कि उसके 5 में से 3 नंबर आए हैं। उसका विषय कंप्यूटर था, उसका नाम प्रभात आदिश था, उसकी कक्षा 12th थी और कक्षा का जो वर्ग था वो कॉमर्स था। अब स्टूडेंट्स ने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन कौन से गलत किए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता चलेगी। स्टूडेंट्स ने पहला क्वेश्चन था वो सही किया, सही किया इसलिए ग्रीन कलर में आ रहा है और उसके आगे राइट ऑप्शन आ रहा है और उसको उसमें क्वेश्चन में 1 में से 1 नंबर पूरा मिला है। जो क्वेश्चन गलत होगा उसके आगे क्रॉस बना हुआ आएगा और उसको वहाँ पर 1 में से 0 नंबर मिलेगा, और उसने जो आंसर दिया और उसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों उस स्टूडेंट्स को वहाँ पर पता चलेंगे। स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया था यहाँ पर मेमोरी, लेकिन सही आंसर था उसका सीपीयू। इस तरीके से स्टूडेंट्स को उसकी उसके पूरी रिजल्ट की परफॉर्मेंस यहाँ से पता लग जाएगी। अब हम वापस अपने फॉर्म में आते हैं। फॉर्म में आने के लिए हम वापस हमारी मेन टैब के अंदर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हम फर्स्ट टैब में आते हैं यहाँ से, ये हमारी मेन टैब है। यहाँ पर रेस्पॉन्स के अंदर भी आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। यहाँ रेस्पॉन्स बटन पर क्लिक करके भी आप पूरे रिजल्ट को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस रेस्पॉन्स बटन पर टैप करता हूँ। यहाँ इस रेस्पॉन्स टैब के अंदर आपको एक एक्सेल या गूगल वर्कशीट का एक आइकन दिखाई देगा। जब आप क्वेश्चंस पेपर को पूरा बना लें तो उसके बाद में रेस्पॉन्स में आकर एक बार इस गूगल शीट वाले आइकन पर क्लिक कर देवें। क्लिक करते ही यहाँ से आपको वो फाइल का नाम टाइप करने के लिए कहेगा। आप उस शीट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो फाइल का नाम है वही नाम रखें। जैसे हम इसको एक बार करके देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस गूगल वर्कशीट आइकन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही मैंने जो फाइल का नाम 12th कंप्यूटर दिया था ऑटोमेटिकली वो नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही मेरी एक ऑटोमेटिकली एक एक्सेल की सीट जनरेट होगी और ऑटोमेटिकली मैं उस सीट के अंदर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपना आंसर देंगे उनका पूरा डिटेल सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे स्टूडेंट्स ने कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड्स पर उस क्वेश्चन शीट को सबमिट किया था, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। आप इसमें पूरी डिटेल देख सकते हैं कि उसका क्लास कौन सा, सेक्शन कौन सा, उसने किस क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर दिया, वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पता लग जाएगा। तो उसके बाद में हम वापस चलते हैं, यहाँ से बैक बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बैक चलते हैं और वापस हम अपने फॉर्म के अंदर पहुँच जाएंगे। ये हमारा गूगल फॉर्म के बारे में बेसिक एग्जांपल था। उसके बाद जब फॉर्म कंप्लीट हो जाए तब हम इस लिंक बटन पर क्लिक करके, जो ये सेंड लिंक है इस बटन पर क्लिक करके स्टूडेंट्स को उसके दिए गए टाइम पर उसको उस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। लिंक कैसे शेयर करेंगे वो जानते हैं, हम सिंपली इस सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तब हमारे सामने
कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, सेंड वाया ईमेल, लिंक या एम्बेड कोड। हमें यहाँ पर सिंपली इस लिंक बटन पर क्लिक करना है, और इस लिंक बटन पर हम क्लिक करते हैं तब हमारे सामने पूरा का पूरा उस गूगल फॉर्म का लिंक लिखा हुआ आएगा, और उस गूगल लिंक को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आपको सिंपली इस कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका पूरा लिंक कॉपी हो जाएगा। तो हम सिंपली इस कॉपी बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इस कॉपी बटन पर क्लिक किया तो मेरे फॉर्म का पूरा लिंक कॉपी हो चुका है। अब हम इस कॉपी हुए लिंक को कहीं पर भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हम स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो हम इस लिंक को एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं। सिंपली आपको अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है, उस स्टूडेंट्स के ग्रुप में, और वहाँ पर आपको टैप करके रखना है और पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपका वो ये वाला लिंक वहाँ पर कॉपी होगा। आप उस लिंक पर सेंड बटन पर क्लिक कर दे, ऑटोमेटिकली आपका ये लिंक उस ग्रुप में सेंड हो जाएगा। वापस हम यहाँ से बैक आने के लिए इस क्रॉस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे हम अपने मेन फॉर्म में पहुंच जाएंगे। ये था गूगल फॉर्म के बारे में। थैंक्स।